बीइंग अ यूट्यूबर मैं आपको वही चीज रिकमेंड और इवन सजेस्ट करूंगा जो मैं जिससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। नहीं, ये हेयर लाइट थोड़ी सी हटके कर दी, थोड़ा सा अलग कर दे यूनिक, क्योंकि अपने यूट्यूब कम्युनिटी की गाड़ी। रूफ रेल देखो, वो कंपनी से लग के आया था, ये जो गैप वगैरह अगर आप देख नहीं पा रहे हो तो मेरे यहाँ से नहीं लगा, मैं पहले ही बोल दूं। हमारा ऐसे होता है। हाँ जी, हमारा वो वाला सीन ही नहीं है पूरा, मतलब S5 में S11 वाला पूरा कर दिया, कोई भी कमी नहीं छोड़ी। हाँ जी, और ये राइड करते ही चामुंडा भाई काम कर रहा है, पसंद आ रहा है भाई। सुबह से शाम हो गई, एक एक जेन्युइन पार्ट लगा है और मजा आगा, मुझे काम देख के मजा आगा। भी मैं संदीप खड़े थे दूर तक कर भाई, गाड़ी एक नंबर गदर हो गई। तो मतलब दिल तक हमारी यही बात है कि भाई गाड़ी में जेन्युइन काम हो। भाई के चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को जल्दी से। कैसे आप सब होप काफी ज्यादा बढ़िया होंगे, सेफ होंगे और हमारी वीडियो का भाई फुल एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल रहने वाली, क्योंकि भाई आज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अपने हाफ इंजन मनीष शर्मा और भाई अपने जतिन शर्मा की स्कॉर्पियो, जो भाई ने अभी हाल फिलहाल में ली और भाई डायरेक्ट जय ऑटो आया भाई मेरी वीडियो देख के। भैया ने बोला यार आपकी वीडियो देखी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लगा और हमें भी अपनी स्कॉर्पियो बिल्कुल अल्टीमेट मॉडिफिकेशन करानी। तो भाई स्कॉर्पियो मॉडिफिकेशन की बात है तो आप लोग को पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट बींग अ यूट्यूबर मैं आपको वही चीज़ रिकमेंड और इवन सजेस्ट करूंगा जो मैं जिससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। भाई स्कॉर्पियो में भाई जे ऑटो से टॉप भाई कोई भी नहीं है, तो वो फुल मॉडिफिकेशन उन्होंने वहाँ पे करवाई और नॉर्मल स्कॉर्पियो मॉडिफाइड नहीं करवाया भाई, कुछ अलग करवाई, हेडलाइट कुछ अलग लगवाया। तो गाइस मेक श्योर आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखनी है, आपके भाई ने ए टू जेड सब कुछ कवर करा है। और S5 में हम लोगों ने S11 में जो रियर वाइपर आता है पीछे की साइड, फर्स्ट टाइम मैं अपने वीडियो पे दिखा रहा हूँ भाई, ये क्लेम नहीं करूंगा कि फर्स्ट टाइम इंडिया बाकियों की तरह, बट हाँ मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रही है जिसको मैंने पूरा प्रोसेस आप लोग को दिखाया कि कैसे रियर वाइपर S5 से S11 में लगाया जाता है। और एंड में प्राइस की भी डिटेल करेंगे कि भाई इसमें टोटल कॉस्टिंग कितनी आई है और आप लोग को भी मॉडिफिकेशन करानी है अपनी स्कॉर्पियो तो कहाँ पे आना है। तो मेक श्योर भाई वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, एंड तक देखना, आपके भाई ने ए टू जेड सब कुछ कवर करा है। तो लेट्स सो गाइस, हियर वी हैव द ओनली स्कॉर्पियो, अपना S5 वाला मॉडल और इसकी भाई फुल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। आप लोगों को पता भाई अपने हाफ इंजीनियर जतिन भाई की गाड़ी आने वाली, तो इसको भाई फुल मॉडिफाइड कर रहे हैं, जो काम हो रहा है सारा अपना भाई जे ऑटो पे हो रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं, अपना S5 वाला मॉडल है तो इसको बिल्कुल S11 विद जेन्युइन एक्सेसरीज के साथ लगा रहे हैं भाई, अपने यूट्यूब ग्रुप किया तो सब कुछ जेन्युइन लगाएंगे। तो ऐसा कुछ S5 में आपको मिलता है तो इसको भी चेंज करके S11 का लगा देंगे। S11 का हम लोगों ने जो अभी अपडेट कर दिया वो क्या है भाई, फॉग लैंप्स हम लोग लगा चुके हैं, आप लोगों को मैं दिखा दूं भाई, इसमें फॉग लैंप्स S11 के लग चुके हैं। तो क्या रिस्पॉन्स है, सब कुछ जेन्युइन के साथ खेल रहे हैं आज हम, तो सब कुछ मैं आप लोग को दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, तो इसमें ग्रिल नॉर्मल सी S5 में आती है, ये देखो ऐसा कुछ ग्रिल आता है नॉर्मल सा ब्लैक सा, तो इसको चेंज करके S11 का हम लोग ग्रिल लगाने। तो गाइस S11 के ग्रिल आने वाला है, बिल्कुल S11 का ग्रिल आप लोगों को पता भाई क्रोम में आता है, तो क्रोम में इसका ग्रिल लगा देंगे। अभी S5 का ग्रिल हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया आप लोगों को शो दिखाने के लिए, तो पूरा सब कुछ इसमें जेन्युइन लग रहा है A to Z, जो भी इसमें मॉडिफिकेशन होगा साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और भाई यूट्यूब ग्रुप किया तो लाइक जरूर कर देना यार, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी जैसे जैसे काम इसका आगे बढ़ता है मैं आप लोगों को साथ साथ चेक कर। तो गाइस अंदर से S5 कुछ ऐसा आप लोगों को भाई डमी टाइप का मिलता है, यानी कि इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता, तो इसको पूरा चेंज कर देंगे। अपनी सारी सीटें खुल रही है, बजरंगी भाई लगा पड़ा है इसमें, पूरे सीटें खोल देगा यहाँ पे। कालू भाई यहाँ पे, कालू भाई क्या लगा रहा है इसमें, कंपोनेंट लगा रहे हैं तो भाई रिंग लगा के जरूर लगवाना अपना कंपोनेंट। कालू भाई रिंग का क्या फायदा होता है, बॉडी में टच नहीं होता, फिर फर-फर सी आवाज नहीं आती। हाँ हाँ, और पानी का भी प्रूफ हो जाता है कि मतलब पानी वानी अंदर नहीं जाता। तो भाई कालू भाई यहाँ पे कंपोनेंट लगा रहा है पाइनर का, पाइनर को आप लोग को बताइए भाई पाइनर का क्या रिस्पॉन्स रहने वाला है। बाकी भाई लोग पूरा लगे पड़े, जैसे जैसे काम आगे आगे होता है साथ साथ मैं आप लोग को चेक करवाता हूँ। गाइस अपनी स्कॉर्पियो में S11 में जो हम लोग रियर जो पीछे की साइड वाइपर आता है वो इंस्टॉल कर रहे हैं, तो भैया ने यहाँ पे भाई एक बार लग जाए उसका मैं आप लोग को चेक करवाऊंगा भाई, अभी तो काम चल रहा है। राम भाई बिल्कुल ओके रिपोर्ट हो जाएगा ना, करने के बाद उसके मैंने नहीं, जो आप लोग छेद देख रहे हो ऐसा लग रहा है दिल पे छेद हुआ, बट जब ये पूरा लग जाएगा ना रियर वाइपर वर्किंग हो जाएगा तब लगेगा भाई पूरा वसूल हो गया। तो राम भाई को करने देते हैं, एक बार लग जाए उसका मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो भाई स्कॉर्पियो में अपने डैम्पिंग का काम भी कंप्लीट हो चुका है, वाइब्रो फिल्टर की हम लोगों ने डैम्पिंग लगाई है, अंदर बाहर दोनों डैम्पिंग हुई है। डैम्पिंग के मैं आप लोगों को फायदा बता दूं तो भाई गाड़ी पूरी अपनी साउंड प्रूफ हो जाती है और आउटपुट काफी प्यारा निकल के आता है, वो तो आउटपुट दिखाऊंगा ही भाई, अपने यूट्यूब टीम की गाड़ी है तो वीडियो को भाई बिल्कुल एंड तक देखना। मनीष भाई का और जतिन भाई का भी मैं रिस्पॉन्स आप लोग को दिखाऊंगा कि भाई को काम कैसा लगा। तो भाई स्कॉर्पियो के पिलर का काम स्टार्ट हो चुका है, जो हम S11 में लगाते हैं, S5 में कुछ आपका ऐसा आता है, तो S11 में यहाँ पे भाई कर रहे हैं आप लोगों को मैं दिखाऊँ, ऑल ओरिजिनल लग रहा है, ये चीज चेक कर पाओगे भाई।
जैसे जैसे ये भी कंप्लीट होता है तो एंड में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि टोटल इसमें क्या अपना आउटपुट निकल के आता है। सो गाइस फाइनली अपनी स्कॉर्पियो की मॉडिफिकेशन काम कंप्लीट हो चुका है। अपनी मनीष भी आ गई थी, वो तो भैया का रिव्यू मैं आप लोग को एंड में दिखाऊंगा। S5 से S11 कर दिया। चामुंडा भैया शेयर करो क्या क्या करा आज हमने। S11 तो नहीं, ये हेडलाइट थोड़ी सी हट गई, कर दी थोड़ा सा अलग कर दे यूनिक, क्योंकि अपने यूट्यूब कम्युनिटी की गाड़ी थी, फैमिली की गाड़ी थी, पर थोड़ी सी मैंने इसको हटके कर दिया। तो इसमें थोड़ा सा बताओ स्पेसिफिकेशन, इसमें हम लोगों ने क्या क्या करा है। डबल DRL अंदर तो दिख ही रहा होगा प्रोजेक्टर में, और ये देख लो ऑडी वाली मैट्रिक्स DRL, ठीक है। तो भाई कुछ यूनिक कर दिया अंदर, LED लगा के बिल्कुल तगड़ा ही सौदा कर दिया, तगड़ा ही सौदा कर दिया। और फॉग लाइट देख सकते हो S11 वाली है, ग्रिल S11 वाली है, हाँ जी, और एक गार्ड भी S11 वाला। ये मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से ही दिखा रहा हूँ भाई, इसमें पुलिस लाइट लगाई है, पर वो हम लोग रिकमेंड नहीं करते बिल्कुल भी वो लगाने के लिए। उसका साइड प्रोफाइल में ले जाते हैं, साइड इंडिकेटर S11 वाला टॉप मॉडल का, टॉप मॉडल जो अंदर से वो RVM ऑन होता है। चलो ठीक है, ये अपना डोर वाइजर देख सकते हो जो बिल्कुल नॉर्मल लगा है भाई साहब की, जो रिक्वायरमेंट था कि हमें क्रोम की नहीं चाहिए वाइजर। हाँ। तो आगे से S11 में वाली ब्लैक रखनी हमने गाड़ी, पूरी कार ब्लैक रखनी। चलो आगे से क्रोम देखनी चाहिए। चलो साइड के फोटो से देख सकते हैं भाई, ये आप लोग चेक कर पाओगे पूरा फुटरेस्ट जो अपना S11 में आता है। पहले मैं ओवरऑल बाहर से दिखाता हूँ क्या क्या हुआ है, जो कि ये जो रूफ रेल देखोगे कंपनी से लग के आया था, ये जो गैप वगैरह अगर आप देख भी पा रहे हो तो मेरे यहाँ से नहीं लगा, मैं पहले ही बोल दूँ हमारा जो जेन्युइन है वो जेन्युइन चलते हैं। एक चीज भी देख सकते हो, जो अगली बार गाड़ी आएगा तो इसको मैं सही करके दूँ। ये हमारा था भैया, नहीं कंपनी से लगता हमारा अलग ही होता है, अलग ही दिख जाता है हमारा, ऐसे होता है हमारा, ऐसे होता है। हाँ जी, हमारा वो वाला सीन ही नहीं है। हाँ, डी पिलर। हाँ जी, तो भाई डी पिलर आप लोग देख सकते हो, मैंने स्टार्टिंग में दिया था। S5 में कुछ नॉर्मल सा मिलता है, ये डील पिलर अपना S11 का हो गया। आज तो गाड़ी भी सफाई नहीं हो पाया इस बारिश की वजह से। हाँ जी, तो रिफ्लेक्टर आप लोग गार्ड देख सकते हो, रिफ्लेक्टर देख सकते। हाँ जी, और यहाँ पे जो हमारा नॉर्मली लगता है ब्रेक लाइट। हाँ जी, और आज को रियर वाइपर फर्स्ट टाइम? नहीं फर्स्ट टाइम तो नहीं है। हाँ जी, पर इनकी गाड़ी में इनकी ख्वाहिश था कि यार S11 वाली वाइपर होना चाहिए। हाँ जी, तो S11 कर दिया, मेरी वीडियो में फर्स्ट टाइम है तो भाई यूज कर, मैं आप लोग को दिखाता हूँ साथ साथ चला के। यहाँ पे अपना ये लगा, ये देखो अपना पूरा पानी के साथ चलता है भाई, ये देखो पूरा मतलब S5 में S11 वाला पूरा कर दिया, कोई भी कमी नहीं छोड़ी, बाकी प्रॉपर वर्किंग है। S11 की बैचिंग भी हम लोगों ने लगा दी ताकि कुछ भी कमी ना रह जाए। और जो इसके अंदर हमने पीछे की प्रोफाइल में अगर जाते हो तो स्पीकर है ओवल वाले, ओवल स्पाइनर के जो हम लोग जनरली लगाते हैं, जनरली लगाते हैं 70 मैट जो हमने डाले। हाँ जी, 70 मैट देख सकते हो। सीट कवर आगे से दिखाएंगे इंटीरियर पूरा, तो भाई मैं अब सीधा इंटीरियर में ले जाता हूँ। इंटीरियर में क्या होगा, इस इंटीरियर में हाल लेके आ चुका हूँ। चामुंडा भैया शेयर करो क्या क्या करा हम लोगों ने इंटीरियर में। शेयर किया कि आप देख सकते हो साइड मिरर उधर देखो आप। हाँ जी, यहाँ पे डंडी होता जो हमने गायब कर S5 में ऐसे ऐसे करने मैनुअल वाला, अब मैं चालू करके दिखा दूँ उधर शीशा, उधर देखो आप कैसे वर्क करें। देखो भाई ये देखो S11 हो गया अपना प्रॉपर, ये वर्क हो रहा है, मैं यहाँ से कर रहा हूँ। हाँ जी, जो कि आप दिखा सकते हो किस जगह से हो रहा है, मेरे हाथों में यहाँ पे कंट्रोल है इसकी पूरी। ये देखो भाई जो लेफ्ट में तो लेफ्ट काम कर रहा है। हाँ जी, और ये राइट करते ही ये राइट का काम कर रहा है। चलो भाई बहुत सही चीज है, आप लोग चेक कर पाओगे। और क्या कर रहा है ये अपना S11 का, हमारा S11 के ये यू। हाँ जी, स्टीयरिंग की रिमोट और पूरी कवरिंग के साथ, और ये प्रॉपर स्टिचिंग जो S11 में जो आता है अपना OEM वाला फिटमेंट जो आता है, फिटमेंट है। और बाकी आगे तो हमने पैनल कंपोनेंट डाले और सीट और आराम रेस्ट देख ही सकते हो आप। एंड्रॉइड कौन सा डाला भैया इसके अंदर? हमने स्मार्ट सोनी का डाला, स्मार्ट सोनी 216। हाँ 216। चलो ठीक है, तो इसमें ये चीज भी हम लोगों ने ऐड करा जो स्कॉर्पियो में हम जनरली ऐड करते हैं, रिकमेंड भी करते हैं। ये देखो भाई साथ साथ मैं आप लोग को दिखा दूं, अपनी YouTube फैमिली की थी तो भाई हर चीज इसमें कुछ ना कुछ यूनिक करा, और पार्ट टू खतरनाक ला रहे हैं इसका इंटीरियर का। हाँ, इसका पार्ट टू जो आने वाला खतरनाक खतरनाक आएगा। तो इसमें यही कुछ भाई बेसिक मॉडिफिकेशन हुआ। अब मैं भैया का रिव्यू दिखाता हूँ कि भैया का क्या रिव्यू आया अपने YouTube फैमिली के थे, तो एक बार भैया का भी मैं रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो भाई अभी आप लोगों ने स्कॉर्पियो की फुल मॉडिफिकेशन देखी अपने जतिन भैया की। जतिन भैया कैसे हो? हमारे चामुंडा का काम कैसा लगा थोड़ा शेयर को? मनीष भैया लेट हो रहे थे वो निकल गए, तो अपना शेयर करो थोड़ा कैसा काम लगा भाई। चामुंडा भाई काम कर रहा है, पसंद ना आया तो थोड़ा शेयर करो, जैसे खुला पैक हुआ सब A to Z सुबह से शाम होगी, शेयर करो पूरा भाई। सुबह से शाम हो गई, एक एक जेन्युइन पार्ट लगा है और मजा आएगा, मुझे काम देख के मजा आएगा। अभी मैं संदीप खड़े थे दूर तन करा भाई, गाड़ी एक नंबर गदर हो गया, दिल तक हमारी यही बात है की भाई गाड़ी में जेन्युइन काम हो। पार्ट टू तो खतरनाक ला रहे इंटीरियर में बिल्कुल, वो ये बताएंगे भाई क्या लेके आएंगे। सस्पेंस अभी नहीं कर रहे, कुछ कुछ यूनिक ला रहे हैं उसमें, बहुत गदर आने वाला है। चलो चलो, तो भैया इसमें ओवरऑल अपना कॉस्ट कितना आया था? ओवरऑल 145 में, जिसमें हम लोगों ने 80-90 का तो जनरल एक्सेसरीज लगा, महिंद्रा का 70 करीब का महिंद्रा जनरल का लगा। किसी को जो इसमें कॉस्टिंग आया, मेन कॉस्टिंग इसका हेडलाइट्स आया। ये जो हेडलाइट हमने कि यूनिक बनाया, जो कि इसके सामने फोकस देख सकते हो। हाँ, फोकस दिखाना भाई एक बार वहाँ पे, कितना तगड़ा फोकस है भाई।
मतलब पूरा उजाला कर दिया, एक दिन कर दिया पूरा यहाँ पे। वो तो हम खड़े हैं, जतिन भाई बताएंगे कैसा लगा जतिन। वो तो हम खड़े हैं जब थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा होगा, नहीं तो दूर तक जा रही है, दूर तक जा रही है। फुल मौज, मतलब एक नंबर हो गया ना, एक नंबर कर दिया भाई। चलो तो भैया अपने किसी भाई को ये करवाना हो, जतिन भाई तो अपने यूट्यूब फैमिली के थे, और किसी भाई को स्कॉर्पियो मॉडिफिकेशन करवाना हो तो कहाँ पे आना है, नंबर में थोड़ा शेयर करो। नंबर क्या भाई, वहाँ दिखा दो, बोर्ड दिखा दो। और भाई हमारी वीडियो में तो सब कुछ दिखता ही आपको, हमारी दुकान है, और फोन कर जाना जो डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा होगा उस पर कॉल करना। तो भाई यहाँ पे पॉपअप हो रहा होगा, इवन डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, फोन वोन करके आना भाई को, डेली 8-10 स्कोर। भाई आप आए कितनी स्कॉर्पियो थी भाई? 7 स्कॉर्पियो खड़ी थी। मजा सब में बढ़िया काम हो रहा था, जैसे आप खुश हो गए। और भाई के पास में स्टाफ भी बहुत अच्छा है, जो मतलब ये ना कि प्रोफेशनल, प्रोफेशनल भी है। अगर ऐसे कि गेट मतलब कुछ काम कर दिया और अंदर कुछ रह गया तो उसको दोबारा निकाल के फिर वो काम करके दोबारा काम करेंगे, ये नहीं कि चल छोड़ मरण दे, वो वाला काम नहीं आया। चलो भाई मेरी ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे, वीडियो पसंद आई तो? भाई वीडियो पसंद आई है तो भाई के चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को जल्दी से, और शेयर तो तुम कर दो यार, यार सपोर्ट दिया जतिन भाई का सब्सक्राइबर जल्दी से कर दो। मैंने खुद सब्सक्राइब करा है तो तुम भी कर दो जल्दी। चलो जतिन भाई ने बोल दिया तो सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसी अमेजिंग मॉडिफिकेशन वीडियो लाएंगे, और जतिन भैया के साथ भी एक अलग बॉडी माइंड वीडियो आने वाली है। बिल्कुल, तो भाई बहुत जल्दी आएगी, तो हैव अ नाइस डे।